ऋषभ पंत की भी बल्लेबाजी की बात कर लें तीन पे खेलने आए आज वो उन्होंने भी उसी अंदाज में खेला एक्चुअली वो उसी अंदाज में खेले हमेशा खेलते हैं पहली गेंद आते, कमाल का मेडॉन के ऊपर से चौका लगाया मैं तो दुआ कर रहा था वो और मैडन जाने की बट उन्होंने आंकड़े सारे खराब कर दिए हमारे बट नहीं नो डाउट छत्तीस नॉट आउट बनाए इस विकेट पे तो उन्होंने अरछा तक बनाया प्रैक्टिस गेम में तो उनको तो थोड़ा बहुत आइडिया था कैसे खेलेंगी क्या होगा तो नो डाउट इनका फॉर्म में रहना जरूरी है क्योंकि ये इनको फर्क नहीं पड़ता दूसरे एंड पे क्या हो रहा है आउट हो रहे हैं डॉट बोले डल रही हैं चौके लग रहे हैं नहीं, वो कोई फर्क नहीं ये अपने अंदाज में ही खेलेंगे तो इसलिए इनका फॉर्म में रहना जरूरी है एक है ना जही क्या बात है ऋषभ पंत में कुछ एक्स फैक्टर आ, है इनमें यार कुछ नहीं बिल्कुल है इसमें तो कोई शक नहीं है कि और कहीं ना कहीं थोड़ा मुझे वीरू की भी याद दिलाते क्योंकि वो अपने अपनी क्लैरिटी जो है ना कि किस तरीके से अपना गेम है hmm. अगर आपके पास वो अंदाज़ा नहीं होगा तो फिर आप इस तरीके से नहीं नजर आ सकते yeah. जो ये कह रहे हैं ना कि दूसरे एंड पे क्या हो रहा है उससे कुछ फर्क नहीं गिरता है क्योंकि अपना गेम इन्हें पता है कि अगर मैं ये कर लूँगा तो फिर यहाँ से चीज़ें अपने आप सुलझती जाएगी तो वो अंदाज़ा वो सेल्फ बिलीफ वो सारी चीज़ें आपको एक एक्सफैक्टर प्लेयर बनाती है हुँ। तो ऋषभ पंथ में भी वो सारी चीज़ें हैं जो उन्हें सबसे अलग दर्शाती है जिस तरीके से वो अपने आप को भी कैरी करते जिस अंदाज़ में बल्लेबाजी करते तो वो वापसी उन्होंने अच्छी की है वापस अभी जो भी सफ़र उनका रहा है पिछला एक डेढ़ साल इतना आसान नहीं रहा है लेकिन भारतीय टीम में वापस आएंगे तो ज़रूर एक उस पार्क जो है वो ज़रूर वो प्रदान करेंगे देखिए उनके माइंड की बात करता हूँ एक वो ऐसे खेलने गए बैट नहीं आता बॉल नहीं आती फिर एक ऐसा कुछ करने गई इधर से गई लग के और अगली गेंद पर आए रिवर्स स्वीप का फास्ट बॉलर की बात कर yeah. तो रहा हूँ मैं तो माइंड सेट क्या है उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा ऐसे कर रहे थे बीट हो गए ऐसे कर रहे थे इधर लग के चलेगी अगली बोला आए उल्टे बल्ले से मारा उधर चौका है छक कर चलो hmm. तो वो माइंड सेट उनका है वो वो उन्हें यूनिक एक्स फैक्टर बनाता है क्योंकि yeah. बॉलर भी प्रडिक्ट नहीं कर सकता ये कब क्या करेंगे Hmm. तो इसलिए वो उनको यूनिक और एक्सफैक्टर बनाता है उनका खेलने का अंदाज hmm. क्योंकि जब बॉलर को पता हो होना ये, ये बैट्समैन अब हटे का मारेगा या आगे बढ़ के मारेगा ये करेगा तो वो उसके लिए प्लान कर सकते हैं yeah. तो कोई भी बॉलर होता है सोचता है यार यारिशंपन दो बारी बीट हुआ ऐसा किया ऐसा कर अब शायद आगे खेलेगा तो मैं टप्पे डालता हूँ वो आगे कहा सोच ही नहीं रहे उन पिछले दो बोलो पर क्या हुआ वो तो उल्टा बल्ला घुमाया है उल्टे हमारे यहाँ हरियाणा में कहते हैं उल्टे तवे का दिया है <laughs> तवे को उल्टे तवे पे भी रोटी सेकते हैं ना तो वो ऐसा करके मारा है उन्होंने तो इसलिए यूनिक है ये खिलाड़ी क्योंकि इनके दिमाग में क्या चल रहा है किसी को नहीं पता